हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना में। आशा करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सुपर डुपर टेस्टी राजमा की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो राजमा बनाने के लिए मैंने ये डेढ़ बोल राजमा लिया है। ये भीगे हुए राजमा हैं, इन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, फिर इसे साफ़ करके अच्छे से धुल लिया है। तो सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो मैंने इस लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में मैं ये राजमा को डाल दूँगी, और साथ में मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले। तो ये दो तेज पत्ते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, और ये चार लौंग ली है मैंने इसमें, जो हम इसमें साथ में डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा, बिल्कुल 1/4 स्पून है। इसको डालने से क्या होगा ना कि हमारा जो राजमा है वो थोड़ा सा जल्दी प्रेशर कुक हो जाएगा, जल्दी से उबल जाएगा। हमें थोड़ी सी तीन विसल कम लगानी होगी। और साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं उसमें मीठा सोडा डालते हैं, यानी खाने वाला सोडा डाल के जब हम बॉईल करते हैं तो विसल आने पे उसमें से पानी बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो फिर कुकर से पानी बाहर नहीं आता है और चीज़ बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाती है। और अब मैंने इसमें डाला है पानी, तो पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि राजमा क्या होते हैं कि जब बॉईल होते हैं ना तो फूल के बड़े हो जाते हैं, पानी सूख जाता है, टाइम लगता है उबलने में इन्हें। और अब इसमें लिड लगा के मैं इसे 4 से 5 सीटी तक प्रेशर कुक करूँगी ताकि हमारा जो राजमा है वो बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो मैंने गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन। अब हम इसे 4 से 5 विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे। तो जब तक राजमा प्रेशर कुक हो रहे हैं तब तक कि मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, कुकर में मेरे विसल आ रही है। तो 4 सीटी लगाई है मैंने इसमें टोटल, और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हमें प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तो देखिए, मैं कुकर से प्रेशर बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो राजमा है वो बॉयल हो गया है। देखिए, देखने में ही पका हुआ बिल्कुल लग रहा है। मैं आपको एक फोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से फूट जाता है, फूट गया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से उबला है, बिल्कुल छूने से ही मुँह में मक्खन जैसा घुल जाने जैसा पका है। तो अब मैंने चढ़ाया है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला है 2-3 टेबल स्पून ऑयल है ये जो मैंने डाला है। और कुकर में से मैंने दालचीनी का टुकड़ा जो है उसे निकाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 हरी मिर्च जो मैंने स्लिट करके ली है, बारीक नहीं काटा है, बीच से फाड़ दिया है। साथ में मैंने डाला 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 स्पून हींग। इनको थोड़ा सा तड़कने देंगे फिर हम डालेंगे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने काट के डाला है, बहुत बारीक नहीं काटा है पर हाँ छोटा ही काटा है। अब हम प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। तो चलाते हुए हमें इसे भूनना है अच्छे से, ये नहीं तो फिर नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। तो देख रहे हैं आप, अनियन जो है मेरे वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल कलर चेंज नहीं किया है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये 3-4 प्याज हैं जो मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज है जो मैंने ग्रेट करके रखा है, वो डाल के हम इसे चलाते हुए भूनेंगे थोड़ा सा। तो चला के फिर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच भर के गरम मसाला। राजमा में मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें, और साथ में ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी डाल लेंगे। और साथ में मैं डाल रही हूँ नमक, 2 चम्मच नमक है ये। अब इन सूखे मसालों को हम प्याज के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो बहुत ही आराम से चलाना है, प्याज में थोड़ा सा पानी होता है, ये जलेगा नहीं। पर इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। मेरी कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा रह गया था तो वो मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल इससे हमारे जो प्याज है और जो सूखे मसाले हमने डाले हैं ना ये बिल्कुल जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से
कुक हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो हमें मसालों को अच्छी तरह से चलाते हुए भूनना है। थोड़ी देर के लिए हम 2 मिनट इन्हें भूनने देंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइम हुआ है और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन रहा है। तो बस हमें इसे ऐसे ही ऑयल बिल्कुल रिलीज़ होने तक भून लेना है। इसमें से देखिए ऑयल रिलीज़ भी हो गया है, होना शुरू हो गया है, अच्छी तरह से भुन रहा है मसाला हमारा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये टमाटर लिया है मैंने ग्रेट करके, ये 4-5 टमाटर है, 5 टमाटर नॉर्मल साइज़ के, इन्हें मैंने ग्रेट करके लिया। आप चाहे तो काट के डालें, चाहे तो प्योरी बना के डालें, ये आपकी इच्छा है कि आप टमाटर और अनियन को कैसे ऐड कर रहे हैं। मैंने दोनों चीज़ें ग्रेट करके डाली हैं। और थोड़ा सा प्याज जो है उसे आप काट के तेल में तड़का ज़रूर दें, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी जब आप इस तरह से बनाते हैं ना कि ऑयल में थोड़ा सा प्याज का तड़का देते हैं, तो वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये एक ख़ास टिप है, लोग प्याज ऐड करते हैं पर तड़के में ऐसे नहीं डालते, कि प्योरी बना के सिर्फ डाल दें, पर अगर आप तड़के में प्याज ऐड करेंगे तो प्योरी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं ऐसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ हमेशा। तो हमारा टमाटर भी थोड़ी देर तक भुन गया था, ऑयल रिलीज़ हो गया था, तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है राजमा, और फिर हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। पानी इसमें कितना डालना है कितना नहीं डालना है, ये आप अपने फैमिली मेंबर्स के या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करें। मेरा राजमा थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, तो इसमें मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी डालूँगी, मामूली सा पानी डालना है मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो जिस बर्तन में मैंने राजमा खाली किया था कुकर से, उसी बर्तन में पानी डाल के मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ चला के। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा है, आधा कप पानी डाला है मैंने इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पानी डालें। आपको अगर बिल्कुल थिन सब्ज़ी चाहिए, थिन ग्रेवी की, तो आप ज़्यादा पानी डाल लें, मुझे ऐसा ही रखना है, तो मैंने बस इतना ही डाला है। और अब इसे मैं प्लेट से कवर करके बस 2-4 मिनट के लिए ही कुक करूँगी। ऊपर से मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। और मैं वापस से 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए कवर करूँगी इसे। तो 2 मिनट हो गया है, कढ़ाई में खोल के आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ऐसे। इसके साथ में आप जैसे जो मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से आप कभी बना के देखिएगा, सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल मिक्स सी है, बिल्कुल भी पतली नहीं है। और वापस से मैं ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी के साथ इसे गार्निश करूँगी। तो गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, बाय बाय।